आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। यह कानून दो बैटरियों के साथ चलता है और यह दोनों बैटरियां हमारे वजूद के अंदर होती हैं, और आप यह भी याद रखें इन दोनों बैटरियों की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी और अगर दूसरी कम होगी तो पहली बढ़ जाएगी। मैं अब आपको वो पांच नेगेटिव चीजें बताऊंगा जो हमारी जिंदगी में जब भी बढ़ जाती हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी की बैटरी खाली हो जाती है। आपके जिस्म में वैसे ही असरात पैदा हो जाते हैं जैसे इंसानी गोश्त खाने के बाद पैदा होते हैं। आप अगर एक बार इंसानी गोश्त खा लें तो आप जिंदगी भर के लिए नापाक हो जाते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। न्यूटन का तीसरा कानून कहता है हर अमल का एक रद्द अमल होता है और रद्द अमल की ताकत अमल के बराबर होती है लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। मसलन आप गेंद को जितनी फोर्स के साथ दीवार पर फेंकेंगे वो उतनी ताकत के साथ वापस आएगी, लेकिन उसकी ताकत अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी आपने बाल को जिस तरफ फेंका वो उससे उलट उतनी फोर्स के साथ आपकी तरफ आएगी। ये न्यूटन का कानून है, लेकिन एक अल्लाह का कानून भी है। मैं उस कानून को अल्लाह का फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कहता हूं। ये कानून दो बैटरियों के साथ चलता है और ये दोनों बैटरियां हमारे वजूद के अंदर होती हैं। एक बैटरी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है और ये पॉजिटिव एनर्जी हमें बरकत, सुकून, खुशी, इत्मीनान, मजा, तस्कीन और सेहत देती है। दूसरी बैटरी नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है और ये हम में बेबरकती, बेसुकूनी, उदासी, गम, बेइत्मीनानी, बदमजगी और बीमारी पैदा करते हैं। हम इन दोनों बैटरियों के दरमियान खड़े होते हैं। आप स्क्रीन को देखिए, हम दरमियान में हैं और हमारे एक तरफ पॉजिटिव बैटरी है और दूसरी तरफ नेगेटिव बैटरी है। हमारे एक तरफ बरकत, सुकून, खुशी, इत्मीनान, मजा, तस्कीन और सेहत है, जबकि दूसरी तरफ बेबरकती, बेसुकूनी, उदासी, गम, बेइत्मीनानी, बदमजगी और बीमारी है। और आप यह भी याद रखें इन दोनों बैटरियों की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी और अगर दूसरी कम होगी तो पहली बढ़ जाएगी। मसलन अगर आपकी जिंदगी में बीमारी का लेवल बढ़ रहा है तो सेहत का लेवल उतना ही कम हो जाएगा। सुकून बढ़ रहा है तो बेसुकूनी उतनी ही कम हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए एक और मिसाल देता हूं। फर्ज करें आप गरीब हैं और आप अचानक अमीर होने लगते हैं तो क्या होगा? आप जितने अमीर होते जाएंगे आपकी गुर्बत उतनी ही कम होती जाएगी। यह हो नहीं सकता, आप एक तरफ अमीर भी हो रहे हो और दूसरी तरफ आपकी गुर्बत में भी इजाफा होता जा रहा हो, यानी आपकी जिंदगी में एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घट जाएगी। और आप यह भी याद रखें हम सब एनर्जी से चलते हैं। जितनी एनर्जी होगी और जितनी देर तक के लिए होगी हम उतने ही दिन और उतने ही दूर जाएंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। दौलत एटम बम की तरह होती है। एटम बम दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। यह सूरज के बराबर तमाराई पैदा करता है और एक एटम बम की एनर्जी हमारे जैसे मुल्क की पूरे 10 साल की बिजली की जरूरत पूरी कर सकती है। जी हां, एक एटम बम। बस इसमें एक मसला होता है, हम इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह सेकंड के 1000वें हिस्से में हर चीज को जलाकर राख बना देती है। दौलत भी एटम बम की तरह खतरनाक होती है। आप अगर इसे कंट्रोल ना करें तो यह भी आपको चंद लम्हों में जलाकर राख बना देगी। आप यह याद रखें इंसान गुर्बत से नहीं मरते, दौलत से मरते हैं। ये भूख से नहीं मरते, खा खा कर मरते हैं।
ये नाकाम होकर बर्बाद नहीं होते, ये कामयाब होकर जलील होते हैं। लिहाजा दौलत की मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी साइंस होती है। आप अगर एक बार अमीर हो गए तो आप बस फिर यह जान लें आपके हाथ में एटम बम आ गया, और यह जब भी फटेगा यह सबसे पहले आपको जलाकर भस्म कर देगा। आपने एक ऐसा शेर पाल लिया है आप जिसके दांतों से बच नहीं सकेंगे, और अगर आप बच गए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल होगा। हम 28 अगस्त को लाहौर में मनी मैनेजमेंट का पहला सेशन कर रहे हैं। हम इस सेशन में आपको अपने रिसोर्सेज को संभालने और उनमें इजाफे का तरीका बताएंगे। हम आपको सिखाएंगे आप अपनी दौलत को बचा कैसे सकते हैं, उसमें इजाफा कैसे कर सकते हैं, और उसकी एटमी एनर्जी से खुद और अपने खानदान को कैसे बचा सकते हैं। यह एक स्मॉल सेशन है, इसमें सिर्फ 30 लोग शामिल होंगे। अपनी सीट रिजर्व करवाइए और सीखिए मनी मैनेजमेंट। यह एक ऐसा कोर्स है जो अमेरिका में सिर्फ अरबपति लोग करते हैं। आप सेशन में शरीक होने के लिए हमसे इन नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। मैं अब आपको वो 5 नेगेटिव चीजें बताऊंगा जो हमारी जिंदगी में जब भी बढ़ जाती हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी की बैटरी खाली हो जाती है, और उसके साथ ही हमारी जिंदगी से बरकत, सुकून, खुशी, इत्मीनान, मजा, तस्कीन और सेहत गायब हो जाती है, यानी हम बीमार हो जाते हैं। इन 5 में सबसे बड़ी नेगेटिव चीज हसद है, जेलसी। हसद को आग क्यों करार दिया गया था? क्योंकि यह अगर एक बार लग जाए तो यह आपको 10 साल के लिए बीमार कर जाती है। यानी अगर आप एक बार हसद महसूस करेंगे तो आपकी जिंदगी से 10 साल के लिए बरकत, सुकून, खुशी, इत्मीनान, मजा, तस्कीन और सेहत गायब हो जाए। हसद इस कदर खौफनाक चीज है कि यह आपको अंदर से माजूर बना देती। दूसरी नेगेटिव चीज गीबत है। गीबत को इंसानी गोश्त खाने के मुतरादफ कहा गया था। क्यों, आपने कभी सोचा? क्योंकि गीबत के बाद आपके जिस्म में वैसे ही असरात पैदा हो जाते हैं जैसे इंसानी गोश्त खाने के बाद पैदा होते हैं। आप अगर एक बार इंसानी गोश्त खा लें तो आप जिंदगी भर के लिए नापाक हो जाते हैं। आपके जिस्म से बू आने लगती है और इसके बाद अल्लाह आपकी इबादत और नेकियां कबूल नहीं करता। गीबत इतनी खौफनाक चीज होती है, यह आपको उम्र भर के लिए इबादत और नेकी से दूर ले जाती है। तीसरी नेगेटिव चीज झूठ है। अल्लाह ने झूठे पर लानत क्यों भेजी थी? क्योंकि झूठ वो लानत है जो आपकी जिंदगी से बरकत और खुशी दोनों खत्म कर देती है। आप यकीन करें, मैंने पूरी जिंदगी किसी झूठे शख्स को खुश और बाबरकत नहीं देखा। चौथी चीज धोखा है। धोखा इंसान की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप अगर सेहतमंद हैं और आप अगर दिनों में बीमार होना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों को धोखा देना शुरू कर दें। आप यकीन करें आप एक हफ्ते में बीमार हो जाएंगे। आपको अगर यकीन ना आए तो आप चेक करके देख लें, टेस्ट कर लें आप। और पांचवी चीज मिलावट है। मिलावट धोखे की आखिरी डिग्री होती है। आप अगर धोखे के असरात को 1000 से जरब दे दें तो मिलावट के बराबर असरात पैदा होंगे, और मिलावट से पैदा होने वाली नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? यह आपका इत्मीनान और सुकून खा जाती है। मेरा दावा है आप एक बार मिलावट करके देखें और इसके बाद सुकून और इत्मीनान की नींद सोकर दिखाएं। मैं सोने का हार लेकर आपके घर आ जाऊंगा। अल्लाह ताला आपको इन 5 नेगेटिव बातों से महफूज रखे, क्योंकि ये वो 5 खराबियां हैं जो इंसान के पूरे जिस्म को, इसकी पूरी रूटीन को खराब कर देती हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।